हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप में मैं टाइपिंग कर रहा हूं। कुछ टाइपिंग कर देता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। जैसे ही मैं टाइप करूंगा, ये देखिए, जैसे ही मैं स्पेस देता हूं टाइप करने के बाद, ये जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं तो उनको मैं चेंज कर सकता हूं और मैं इसको आराम से चैट कर सकता हूँ। और व्हाट्सएप ही नहीं है, और इसके अलावा फेसबुक में भी आप इस तरीके से चैट कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल से चैट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो चलिए सीख लेते हैं। व्हाट्सएप में इस टाइप के फॉन्ट्स टाइप करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आपके प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए प्ले स्टोर पर चलते हैं और प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इसके सर्च बार में ऊपर की तरफ टाइप कर लेते हैं ब्लू वर्ड्स। और जैसे ही आप ब्लू वर्ड्स टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद आपके सामने इस टाइप से रिजल्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा ब्लू वर्ड्स नाम से एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी विंडो, और यहाँ पर जहाँ पर ओपन लेकर आ रहा है यहाँ डाउनलोड लेकर आएगा, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके डाउनलोड भी अभी काफ़ी कम है, 10,000 डाउनलोड है, अभी नया एप्लीकेशन है ये, और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.6 की रेटिंग है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पर एक स्लाइडर दिया है ऑफ के ठीक सामने राइट हैंड पे ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा ओपन सेटिंग, इसको क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद ये एसेसिबिलिटी में पहुँच जाएगा, और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आइए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्लू वर्ड्स लिखा हुआ, यहाँ पर यह ऑफ है, इसको ऑन करना है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद यह ऑफ को स्लाइड करके इसको ऑन कर देता हूँ मैं, और ऑन करने के बाद ये ओके लिख कर आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद बैक आ जाइएगा, और बैक आने के बाद यहाँ पर ऑफ के ठीक सामने स्लाइडर है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑन हो चुका है अब। और ऑन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, इन फॉन्ट्स में से आप कोई भी फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जो फॉन्ट्स यूज़ कर रहा था वो ब्लू फॉन्ट्स है, मैं आपको एक और फॉन्ट्स दिखाता हूँ, यहाँ पर डार्क स्क्वायर, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट्स है, यहाँ पर ये दिया हुआ है डार्क स्क्वायर, इस पर क्लिक कर देता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एग्जांपल करके टाइप करके देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करके देख लेता हूँ कि किस तरीके से होना है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, और चैनल का नाम लिखने के बाद इसको बैक कर दीजिए, और बैक करने के बाद यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डार्क स्क्वायर वर्ड्स, इसके ठीक सामने एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये आपके एप्लीकेशन पर अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद बैक आ जाइए, और बैक आने के बाद अब आप अपने व्हाट्सएप में फिर से आ जाएं, और व्हाट्सएप में आप अपनी चैट को ओपन कर लें। तो मैं अपनी चैट को ओपन कर लेता हूं, और जैसे ही मैं चैट में पहुंचूंगा, चैट में जाने के बाद मैं इसमें टाइप करता हूं कुछ, ये मैंने टाइप किया, और जैसे ही टाइप करेंगे आप, टाइप करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक बी जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा, तो मैं इसको एक साइड में कर देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बी लिखा हुआ है, और ये जब ही आएगा जब आप टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और लिखने के बाद इस बी पे क्लिक करेंगे बस, और क्लिक करने के बाद ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप जब भी टाइप करेंगे आप, और टाइप करने के बाद स्पेस देंगे, तो ये फॉन्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा। आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं ज़्यादा दे सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। और इस तरीके से आप जैसे ही स्पेस देते जाएंगे ये फॉन्ट जो है ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक के बारे में बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को चौंका सकते हैं कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ट्रिक, इसलिए दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस ट्रिक के बारे में पता चल सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इस तरह के बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।